आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग बता रहे हैं। इस प्रसंग का संबंध पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित सूर्य मंदिर से भी जुड़ा है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोड़ी होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थी, जिनमें से एक निषाद राज जामवंत की पुत्री जामवंती थी। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों कालों में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्हें मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। देखने में वह इतना आकर्षक था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां उनके प्रति आकृष्ट रहती थी। एक दिन कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन में भर लिया। उसी समय कृष्ण ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। क्रोधित होते हुए कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोड़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों का अपहरण कर ले जाने का श्राप दे दिया। पुराण में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोड़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्यदेव की आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। उसी दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोड़ ठीक करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिली। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोड़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।